हेलो डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट आयुर्वेद एंड यूनानी के, आप सबसे मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं और आप उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करेंगे तो इस नोटिस के मुताबिक आप कौन कौन सी मॉडर्न मेडिसिन उत्तर प्रदेश में अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पर लिखकर दे सकते हैं। इसी चीज़ का इसमें वीडियो में मैं डिटेल करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आउट में UGPG काउंसलिंग NCISM के नोटिस और उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद के सारी खबरें दिखाता हूँ। बात करते हैं शासन की, तो ये 14 अक्टूबर 2015 का नोटिस है। कौन कौन क्या मुद्दा है इसमें, ये है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत आयुर्वेद एवं यूनानी विधा में पंजीकृत चिकित्सकों के द्वारा लिखी जाने वाली औषधियाँ, मतलब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वो कौन कौन सी मॉडर्न मेडिसिन लिख सकते हैं 9/10/2015 के संबंध में। अब मैं उनका लिस्ट बताऊँगा जो आप लिख सकते हैं और जो आप नहीं लिख सकते हैं उनका भी बताऊँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। यह है अनुसूची, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आयुर्वेद एवं यूनानी विधा में पंजीकृत चिकित्सकों के द्वारा लिखी जाने वाली औषधियाँ, एंटा एसिड H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स प्रोटॉन्स पंप इनहिबिटर्स एंटी हिस्टेमिक, नंबर 2 पर है जीवाणुनाशक में कौन कौन सी है, एंटीबायोटिक्स कॉट्रा इमे एक्सेलजोल ट्राईमेथोप्रिम नॉरफ्लोक्सासिन कुनैन और टेट्रासाइक्लिन जेंटामाइसिन रेफेलोस्पोरिन इरेथ्रोमाइसिन नाइट्रोफ्यूरेटॉइन मेट्रोनिडाजॉल टिनिपिडाजॉल एम्फिसिलिन DID मतलब राजक्षमा नाशक, TB के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो भी दे सकते हैं, INH रिफामसिलिन इथेमाब्यूटोनॉल पायराजानामाइड क्रेमीनाशक, मतलब इन्होंने एक साल्ट के नाम दे दिए, टैबलेट अपने अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं, इन्होंने केवल कंपोजिशन साल्ट के नाम दे दिए, आप इसमें ये प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। क्रेमीनाशक में मेवेंडाजॉल एलमेंडाजॉल, मलेरिया नाशक का है क्लोरोक्विनिन क्यूनिन प्रामाक्विनिन और सल्फाडामिक्सन पायरीथिमिरेट कुष्ठ रोग, मतलब आप स्किन की डिजीज में डेप्सोन रिफेमसिलिन क्लोफोजेनामाइड और अमीबा नाशक, मतलब मेट्रोनिडाजॉल टिनेपिडाजॉल डुलोक्सानाइड फ्यूरोट्स कंडू नाशक, फिर है आपका तो एंटी स्केबरीज बेंजोइल बेनर्स गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्थानिक फफूंदी रोधक, मतलब कहीं पे कहीं है तो टॉपिकल एंटीफंगल आप दे सकते हो, जैसे मेडिसिन आती है टॉपिकल एंटीफंगल, उन्होंने साल्ट लिख दिया, आप अपने अनुसार मेडिसिन बहुत आती हैं आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, बस साल्ट यही होना चाहिए। विषाणुनाशक एंटीवायरल एंटी कोलिनर्जेनिक डाइसाक्लोमिन और बमन रोधी, मतलब एंटी इमेटिक दे सकते हैं, ज्वरग्न बेदग्न नाशक मतलब एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दे सकते हैं, मृदु ब्रीचक लेक्जेटिक मतलब लूज मोशन कराने हैं, मौखिक पुनर्जलीकरण घोल मतलब ORS टाइप, लोह तत्व तो एवं विटामिन हिमेटिनिक्स एंड विटामिन्स मतलब आयरन की टैबलेट्स विटामिन, श्वास नली विस्फारक ब्रोंकोडायलेटर सोलबुटामोल थियोफाहिलिन एमिनोफाइलिन कफ निस्पारक एक्सपेक्टोरेंट मौखिक गर्भ निरोधक गोली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जेनसियन बॉयलेट 1% सॉल्यूशन माइकोजोनॉल 1% क्रीम विटामिन ए लिक्विड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉलिक एसिड टैबलेट जाइलोकन लोकल और मेथाइलो अग्रोनाइन टैबलेट्स, ये आप इतना आप दे सकते हैं इस नोटिस के मुताबिक, कोई कोई दिक्कत नहीं है।
अब है महत्वपूर्ण, गंभीर रूप से बीमार रोगियों की प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक चिकित्सा के उपरांत रेफर किया जाना। मतलब जो आपको इमरजेंसी कंडीशन में है, ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आपको उसको मत लीजिए, सिर्फ आप तत्काल में फर्स्ट एड दे दीजिए और उसको रेफ़र कर दीजिए। न किए जाने वाली कार, क्या क्या आपको नहीं करना है, मेडिको लीगल केसेस नहीं देखना है, MLC नहीं करना है, पोस्टमार्टम नहीं करना है, IV इंजेक्शन भी नहीं लगाना है, शुद्ध आयुर्वेदिक यूनानी शल्य कर्म, क्षार सूत्र से भिन्न शल्य कर्म, मतलब आप क्षार सूत्र जो आपके आयुर्वेद के अनुसार किया जाता है वही करोगे, इसके अलावा कोई क्षार सूत्र नहीं करोगे इस नोटिस के मुताबिक। बाकी NCISM का नोटिस आया हुआ है सन 2021 में, उसमें काफ़ी प्रकार की सर्जरी डाल दी गई हैं, आप PG कर लेते हो तो उनको परफॉर्म उस नोटिस के मुताबिक कर सकते हो। ये है आपका यहाँ उत्तर प्रदेश का गजट था जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।